अगर हिंदुस्तान में बहुत सारे ऑनेस्ट लोग हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लोग हैं, अगर ऑब्जेक्टिव लोगों को, ऑनेस्ट लोगों को आप ये काम दोगे, पेपर लीक नहीं होगा। अगर आप मीडियोकर लोगों को राजनीतिक बेसिस पे, आइडियोलॉजिकल बेसिस पे चुन के करोगे तो ये काम होगा। और ये मैं कह रहा हूं, दोहराता जा रहा हूं कि हर हिंदुस्तान की हर संस्था को कैप्चर कर रखा है, लीगल सिस्टम को, ब्यूरोक्रेसी को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, एजुकेशन सिस्टम को। उनकी उनकी क्रेडिबिलिटी इन बातों में है ही नहीं। वो क्लीन चिट दें उसका कोई मतलब ही नहीं है, उनकी जीरो क्रेडिबिलिटी है। सब लोग जानते हैं कि एपिसेंटर मध्य प्रदेश, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा मेरी यात्राओं में सबसे ज्यादा पेपर लीक की बात यहीं आई थी, उत्तर प्रदेश में आई थी, मध्य प्रदेश में आई थी।